दोस्तों मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ओलिंपो हिंदी में। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 20 सरकारी कंपनियों को उनकी इकाइयों में हिस्सेदारी बेच रही है और जबकि 6 को बंद करने का विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए सवाल में अपने लिखित जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार विनिवेश के लिए रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री नीति का पालन करती है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,10,00,000 रुपए की भारी भरकम राशि विनिवेश में जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों के विनिवेश के जरिए 1.20 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। वही वित्त संस्थाओं की हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए अन्य 90,000 करोड़ रुपए भी जुटाए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नीति आयोग की ओर से तय किए गए मापदंडों के आधार पर 2016 में 34 मामलों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। इनमें से 8 विनिवेशकों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 6 CPSEs को बंद करने पर विचार किया जा रहा है और अन्य 20 की प्रक्रिया अलग अलग चरण में है। जिन कंपनियों को सरकार बंद करने का विचार कर रही है उनमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब और हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट शामिल है। जिन कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है उनमें है प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ को इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, यूनिट्स ऑफ सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, नागर नगर स्टील प्लांट, अलॉय स्टील प्लांट और दुर्गापुर सालम स्टील प्लांट, बरौदी यूनिट्स ऑफ सेल्स, पवनहंस, एयर इंडिया की 5 सब्सिडीज और एक जॉइंट वेंचर भी है। इन कंपनियों को बंद करने या बेचने की जो बातें हो रही है, क्या उसको लेकर आम जनता को फायदा या नुकसान होता है, ये तो आगे देखना बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें, ये वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर करें और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।